मां नूं रब दा रूप मन्निया जांदा है, पर दादी अते दादे दे नाल बैठे इस 15 साल दे बच्चे दे वल्लों अपने ही कलयुगी मां दे खिलाफ थाने दे विच शिकायत दर्ज करवा के कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये बच्चा गुरदासपुर के एक पिंड का रहने वाला है। बच्चे का कहना है कि उसकी माँ उसनूं जबरदस्ती अपने नाल रखना चाहती है और उसका कतल करवा सकती है। बच्चे की माँ की CCTV भी सामने आई है। पहले तुसीं इह CCTV देखो, फिर तुहानूं दस दें कि आखिरकार पूरा मामला की है। पीड़ित बच्चे ने अपनी ही माँ ते गंभीर दोष लगाते हुए कहा कि पिछले 4 साल तो उसका पिता विदेश दे विच काम कर रहा है ते उसकी माँ ने पिछों किसी होर दे नाल नजायज संबंध बना ले ते उसे दे नाल रहिंदी है। पिछले 1 साल तो घर भी नहीं आई ते हुण जबरदस्ती उसनू अपने नाल रखना चाहती है ते उसका कतल करवा सकती है। बच्चे ने अगे दस्या कि उसकी माँ कई बार होर लोगों दे नाल मिल के उसनू स्कूलों चुकन की कोशिश भी कर चुकी है ते हुण ओह डरदा स्कूल भी नहीं जाता। बच्चे ने कहा कि वह अपनी दादी अते दादे दे कोल रहना चाहता है क्योंकि उसकी माँ उसनू मरवा सकती है। इस पूरे मामले दे विच बच्चे दे दादे दा की कुछ कहना है, आओ सुनते हैं। पुस्तकाल के रहिंदा जी 4 साल हो गए मसला ये मगरों गलत काम कर रहा जी ते सानू साडी मंदी नहीं कोई भी घर नहीं आउंदी बड़े बड़े दिन ते पोते मेरे नू भी धक्के मार के बाहर कढ दिंदी सी उस मुंडे नू घर वाड़दी सी। फिर कुछ चिर पा के नठ गई घरों नठ गई हाँ घरों नठ गई हो गया साल एक साल हो गया ना साढ़े पोते उन्हें कवाया ना कभी उन्हें फोन नहीं किया हूँ वो स्कूले चुकन जाती रही आ ये डरदा स्कूले भी नहीं करते रहे अं तो हूँ फिर वो दबके अज फिर पई नाल लेके होर 4-5 मैंबर वो नाल सी वो पई पहली इतने गेट में मारी है स्कूटरी आन के तीन 4 जने उसे पिछे खड़ोते रहे सानू पता नहीं वो ही भैन भरा ही तो उन्होंने को हथियार भी है कुछ वो कहती भी मैं घर मेरा मैं इतने आना तो मुंडे मैं खाना मुंडा कहता मैं नहीं जाना मैं इतने रहना दादी दादे को ना घर आए अं क्या भी सानू उसको खतरा वा घर नहीं आनी चाहिए अं यो मंग करते भी साड़ी खलासी हो जाए बच्चा साडा पोता वा सानू खतरा वो कितने खड़के मारना जाए फिर अं कितों लभंगे इन यहोजी जनानी का कोई पता नहीं तुवार नहीं हों वो खड़के मरवा दे अपने उन्हें तो कई बनाए हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारी ने मामले की गंभीरता के नाल जांच करन दी गल आखी है। सैलप्रीत सिंह सानों पुलविंदर सिंह ने अपनी माता राजविंदर कौर पत्नी पुलविंदर सिंह के खिलाफ दरखा दी है 112 से जिसके संबंध में SI तजिंदर सिंह मौके पर गए ही जी राजविंदर कौर का तो इसके पति का उस कोर्ट में सिविल केस चल रहा ठीक है जी 1 साल तो जी राजविंदर कौर अपने पेके घर रह रही है वो चाहती है भी मेरे केस चलन के बावजूद मैं तो मैं अपने घर में दाखिल होव तो जिहड़ा लड़का वो कहिंदा जिन्ना चिर केस चलदा उन्ना चिर अहीं जो कोर्ट फाइल करे बेड़े ने तो यही कहा भी सानू आ गेट खड़काउंदी तो गाली क्लोज कर दी धक्के ना ये राजविंदर कौर धक्के अंदर वड़ना चाहुंदी माँ घर दे दाखिल बच्चे बच्चे की माँ इस संबंध में आप मौका वेखन गए ही मौके आ रबट लिख दी है कोर्ट में केस चलता ठीक है जो कोर्ट फैसला करेगी दो पार्टी गुरदासपुर तो विक्की मलिक की रिपोर्ट। कि तुसी भी जीवन दे विचारियां दिक्कतां तो परेशान हो तो हुण 3 घंटिया दे विच मिलेगा शर्तिया समाधान। मियां सुल्तान जी घर बैठे होवेगा हर समस्या दा पक्का हल। समस्या जिवें नौकरी ते कारोबार च तरक्की ना होना, घरेलू क्लेश, सौतां दुश्मन तो छुटकारा, प्रेम व्याह, विदेश यात्रा च रुकावट, पैसे दी दिक्कत, मनचाया प्यार, वशीकरण जां फिर मुठकरनी, किता किराया, जमीन जायदाद दा केस, कोर्ट कचहरी केस, हर समस्या दा शर्तिया समाधान एक बार जरूर संपर्क करो मियां सुल्तान जी। मोबाइल नंबर 87913-8130 एक बार फिर तो नोट कर लवो 87913-8130।